गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्विच वर्क। स्विच कैसे काम करती है, हाउ टू स्विच वर्क। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि भाई राउटर, स्विच, हब कैसे काम करते हैं। तो एक्चुअली स्विच जो होता है ना वो एक नेटवर्क डिवाइस होता है, ओके। और वो नेटवर्क में किस तरह से एक अभी पैकेट को दूसरे अभी पैकेट के साथ या दूसरे कंप्यूटर के साथ वो कम्युनिकेट करता है, तो वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्विच है मेरा, ओके, और ये स्विच के साथ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। मैंने तीन कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, एक, दो और ये तीन, और एक चार ले लेते हैं। तो चार कंप्यूटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ये सभी कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे स्विच के साथ उसको कनेक्ट किया है। ये जो कंप्यूटर जिसके साथ कनेक्टेड है वो है फास्ट इथरनेट वन। यहाँ पे मैंने दूसरे पोर्ट पे एक दूसरा कंप्यूटर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है और अटैच किया है, जिसका फास्ट इथरनेट पोर्ट 3 है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फास्ट इथरनेट 3 के साथ, तो ये फास्ट इथरनेट 3 पोर्ट है। और यहाँ पे ये जो पोर्ट है जो कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर के साथ, जिसका फास्ट इथरनेट 4 है। तो ये एक स्विच है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है दोस्तों। अब स्विच का काम क्या है, तो ऑलरेडी आगे के वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि स्विच क्या करता है। तो स्विच पहली बार ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो एक कोलाइजन डोमिक बन जाता है। मतलब नेटवर्क के अंदर का कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसको वो मैनेज करता है, इसलिए उसको कोलाइजन डोमिक बोलते हैं। तो स्विच एक कोलाइजन डोमिक है, जिसको हम कोलाइजन डोमिक बोल सकते हैं। स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट होते हैं तो ये सभी पोर्ट्स एक कोलाइजन डोमिक की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे चार पोर्ट आपने कन्फिगर किए हैं, तो ये चार पोर्ट क्या होता है, कोलाइजन डोमिक। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि स्विच काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि मान लो कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर वन कनेक्ट किया, जिसका आईपी मैंने 10.10.1 दिया है। दूसरा पोर्ट मैंने कन्फिगर किया है फास्ट इथरनेट 2, जिसके अंदर मैंने 10.2 कंप्यूटर कनेक्ट किया है। 10.3 मैंने फास्ट इथरनेट 3 के साथ कनेक्ट किया है, और 10.4 जिसको मैंने कनेक्ट किया है फास्ट इथरनेट 4 पे। अब दोस्तों जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, क्योंकि जब आप स्विच ऑफ करते हो, जब ये स्विच ऑफ होती है तो उसके अंदर कोई मैक टेबल होता नहीं है। मैक टेबल मतलब क्या होता है, तो एक स्विच का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये मैक टेबल होता है, और जब तक स्विच बंद होती है तो ये मैक टेबल यहाँ पे नहीं होता है, स्विच के अंदर नहीं होता है। अब जैसे ही स्विच आपने ऑन किया तो क्या होगा कि स्विच जो है सबसे पहले क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी। स्विच ने जैसे ही ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एट द टाइम स्विच ने सभी पोर्ट पे, मतलब ये पोर्ट पे और ये पोर्ट पे, सभी पोर्ट पे उसने क्या किया, एक मैसेज, एक पैकेज सेंड किया। यहाँ पे ये मैसेज सेंड करने के लिए एक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और जिसके द्वारा उसने ये मैसेज यहाँ पे सेंड किया। अब ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसके द्वारा स्विच ने ये प्रोटोकॉल रन किया ये कंप्यूटर पे, और उसने यहाँ पे एक मैक एड्रेस, ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस और ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, ये दोनों इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करता है। अभी ये इन्फॉर्मेशन को वापस स्विच पे ले जाना है, क्योंकि उसने क्या किया, एड्रेस तो रिजोल्व किया, अब यहाँ पे ये जो मेरे कंप्यूटर और मैक एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन सपोज को उसको स्विच में वापस ले जानी है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल रन करता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये RARP, ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा ये क्या करता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैक एड्रेस और जो आईपी की इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे ये स्विच को दे देता है। सेम टू सेम यही कंप्यूटर पे ERP प्रोटोकॉल रन होगा और RARP प्रोटोकॉल रन होगा। तो ERP ने क्या किया, एड्रेस रिजोल्व किया, और RARP प्रोटोकॉल ने क्या किया, तो RARP प्रोटोकॉल ने ये इन्फॉर्मेशन को स्विच को दे दिया। तो इस तरह से स्विच जैसे ही आप चालू करते हो तो यहाँ पे एक ERP और RARP प्रोटोकॉल रन होता है, जिसके द्वारा स्विच के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर का मैक एड्रेस और पी एड्रेस, वो इन्फॉर्मेशन स्विच को दे देता है, ओके, ये प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये
ईआरपी और आरआईपी प्रोटोकॉल के द्वारा जब ये स्विच के अंदर ये इंफॉर्मेशन जब पहुंच जाती है, तो स्विच के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। स्विच के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक होता है मैक, ओके, और दूसरा होता है एएसआईसी। तो ये एएसआईसी और मैक जो है वो हमारे स्विच के दो कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब दो भाग होते हैं, मतलब दो एक कंपोनेंट है, ओके, एक भाग होते हैं। तो ये कंपोनेंट है जो वो क्या करते हैं, तो इसमें अगर मैं ESIC की बात करूँ, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, ये एक जैसे BIOS होता है मदरबोर्ड पे, तो ऐसी एक IC होती है, और ये है हमारे स्विच की जो मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड होती है, इसको IC बोलते हैं, ओके। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। तो ये स्विच के मदरबोर्ड पे ये इनबिल्ट होता है IC फॉर्म, और ये क्या करता है, मैक टेबल को क्रिएट करता है, मैक टेबल को क्रिएट करना। तो मैक टेबल को क्रिएट करने का काम कौन करता है, ESIC। अब ये मैक टेबल यहाँ पे बन गया, तो जैसे कि ERP और RARP प्रोटोकॉल ने यहाँ पे स्विच को ये एड्रेस दे दिया, तो स्विच क्या करेगा, ESIC, तो वो डिफाइन करेगा वो फास्ट इथरनेट वन पे कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड, कौन से मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मैक एड्रेस ये है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, तो ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। वैसे फास्ट इथरनेट पोर्ट पे कौन सा पोर्ट कनेक्टेड, कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, ओके। तो ये कौन मैनेज करता है, ये कौन क्रिएट करता है, ESIC। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि फास्ट इथरनेट 3 को भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो फास्ट इथरनेट 3 ERP और RARP प्रोटोकॉल के द्वारा यहाँ पे मैक टेबल बनता है, ओके। जो मैक टेबल आप यहाँ पे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। और फास्ट इथरनेट 4 भी एक मैक टेबल यहाँ पे बन जाता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये हमारे पोर्ट है, और ये पोर्ट पे कौन से मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर यहाँ पे लगा है, तो ये मैक एड्रेस होता है। अभी ये मैक टेबल बन गया यहाँ पे, तो मैक टेबल को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो मैक कंपोनेंट जो होता है वो क्या करता है कि आपके स्विच के अंदर अगर ये पोर्ट को आपने यहाँ से, ये कंप्यूटर को यहाँ से निकाल के आपने यहाँ पे लगा दिया फास्ट इथरनेट 5 पे, तो यहाँ पे आपके मैक टेबल के अंदर चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो फास्ट इथरनेट पोर्ट पे ये कंप्यूटर लग जाएगा, तो ये मैनेज करने का काम कौन करता है, मैक। तो मैक टेबल को क्रिएट करने का काम करता है, और ये मैक टेबल को मैनेज करने का काम करता है। तो इस तरह से एक स्विच काम करती है। अभी यहाँ पे जब ये स्विच के अंदर, जब तक मैं IP नहीं देता, जब तक ये कंप्यूटर को पिंग नहीं करता या एक्सेस नहीं करता, तब तक यहाँ पे मैक टेबल बनता नहीं। बट जैसे मैं उसको एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पे स्विच के अंदर एक मैक टेबल बन जाता है। तो चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पैकेज से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्विच लेते हैं, और ये स्विच के साथ मैं 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये सभी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ओके। और ये सभी कंप्यूटर को मैं IP देता हूँ, ये स्विच को भी IP दे रहा हूँ, ये स्विच को भी मैं IP, ये कंप्यूटर को भी IP दे रहा हूँ, और लास्ट ये कंप्यूटर को भी हमने IP दे दिया। तो दोस्तों, जब मैं स्विच में जाके जब चेक करता हूँ मैक टेबल, ओके, तो क्या मैक टेबल मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने IP दे दिया है, बट जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक ये मैक एड्रेस उसको मिलेगा नहीं। शो मैक एड्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई अपडेट नहीं। बट जैसे ये कंप्यूटर 10.1 जो है वो पिंग करता है, एक्सेस करता है या पिंग करता है 10.10.2 को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्विच के अंदर जाके मैंने जब मैक टेबल चेक किया, तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर की एंट्री आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैक टेबल बन गया। वैसे अगर ये कंप्यूटर को पिंग करना चाहता है, तो उसका भी मैक एड्रेस, उसकी भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी मैक टेबल के अंदर, ओके। तो इस तरह से दोस्तों आप एक स्विच का वर्किंग देख सकते हो। स्विच का वर्किंग आपको मालूम है, तो नाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस ट्रबल शूटिंग, ओके। तो आप यहाँ पे स्विच के अंदर ट्रबल शूटिंग करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो जिस तरह से
यहाँ पे अपडेट्स आ रही है। ओके, जैसे जैसे आप एक दूसरे को एक्सेस करते जाएंगे, कंप्यूटर को एक्सेस करते जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसके अपडेट्स मिलते जाएगी। ओके, तो इस तरह से स्विच काम करता है। आप देखो यहाँ पे तीन मैक एड्रेस ऐड हुए हैं, कौन से पोर्ट पे वो कनेक्टेड है। तो ये मैक टेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक विलेन में काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैक टेबल बनता है, कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।